सो आज हम मम्मी पापा को लाए हैं टोरंटो डाउनटाउन। मम्मी पापा को कनाडा आए हुए हो गए हैं 4-5 दिन, लेकिन अभी तक डाउनटाउन नहीं आए थे, तो आज फाइनली लाए हैं। मम्मी पापा ने हमारी व्लॉग देखी थी लिटिल कनाडा वाली, तो उनको था हमें भी जाके देखना है, तो हमने सोचा आज वहीं लेके चलते हैं, पहले लिटिल कनाडा घुमाते हैं। तो आज के व्लॉग में लिटिल कनाडा हम कवर नहीं करने वाले हैं ज़्यादा, क्योंकि हम ऑलरेडी व्लॉग बना चुके हैं, आपको स्क्रीन पर लिंक दिख जाएगा, अगर आपको देखना है तो आप वो व्लॉग देख लेना। अभी हम बस थोड़ा बहुत मम्मी पापा को घुमाने लाए हैं, बाकी जब एक बार लिटिल कनाडा कवर कर लेंगे उसके बाद थोड़ा डाउनटाउन भी घूमेंगे, नेथन फिलिप स्क्वायर लेके चलेंगे, और भी एक दो चीज़ें देखते हैं जो जो आसपास हो सकती हैं वो आज के दिन में कवर कर लेंगे, ताकि मम्मी पापा डाउनटाउन की भी फील अच्छे से ले पाए। बाकी हाँ, व्लॉग में बने रहिए, लिटिल कनाडा नहीं देखा है तो पूरा व्लॉग लिंक स्क्रीन पे होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, बाकी थोड़ा बहुत आप आज की वीडियो में भी थोड़ा बहुत ग्लिम्स तो ले सकते हैं। सो अभी हम हैं लिटिल टोरंटो, और ये वाला पार्ट इन्होंने नया बनाया है, हमने लास्ट वीडियो में कवर नहीं किया था क्योंकि तब तक ये बना नहीं हुआ था, सो दिस पार्ट इज़ न्यू, तो मैं दिखाता हूँ। कैसा लग रहा है मम्मी? आप देख लो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोई भी देखेगा क्या बोलेगा? बहुत अच्छा। मम्मी का हर चीज पे एक ही रिएक्शन है, बहुत अच्छा, कुछ बोलने को है ही नहीं, स्पीचलेस। नेथन फिलिप्स स्क्वायर, ये जो एरिया है ना, ये वो है जहाँ पे आइस स्केटिंग होनी होती है ना, जो मैं आपको दिखा रहा होता हूँ, ये वो वाला एरिया है, और यहीं पर ही सारी वो क्रिसमस की जो फंक्शन हो रहे होते हैं, फायरवर्क्स जो हो रहे होते हैं, वो इधर इस बिल्डिंग पे ऐसे हो रहे होते हैं। वो CNTR इसमें मतलब अंदर हो जाते हैं ना वहाँ से? हाँ हाँ, ऊपर जाते हैं ना यहाँ से, ऊपर यहाँ आप जाओगे और आप ऊपर वो जो ये बना हुआ है ना राउंड सा, हाँ जो राउंड सा बना हुआ है, उधर आप ऊपर जाते हो, वहाँ से पूरा व्यू लेते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे भी जाएंगे, अभी आप सारा देख लो, फिर आपको धीरे धीरे इन सब चीज़ों में लेके जाएंगे। यहाँ आगे ऐसा लगता है कि पूरा कनाडा ही देख लिया हमने। थोड़े से एरिया में पूरा कनाडा देख लिया। सीजन्स को भी कवर करने की कोशिश की है, जैसे अभी तक हमने थोड़ा समर वाला सीजन देखा है, अभी आगे जाएंगे ना तो थोड़ा फॉल वाला सीजन दिखाएंगे, तो जो ट्रीज के कलर्स है ना वो भी ऐसे हो जाएंगे, और उसका जो नेक्स्ट दिखाएंगे वो विंटर सीजन दिखाएंगे, बट दूसरी सिटी में, तो हर सिटी मतलब अलग अलग सिटीज अलग अलग सीजन्स में कैसी दिखती है। सो लिटिल कनाडा तो हमने देख लिया है, बट नाम लिटिल कनाडा है, लेकिन उसको पूरा देखने में एटलीस्ट 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। सो अब लंच टाइम हो गया है, सो भूख लग रही है, सो पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद बाकी डाउनटाउन एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी लग रही है भूख तो कुछ खा लेते हैं। पेट पूजा के बाद अगला स्टॉप हम सोच रहे हैं कि लेक शोर चलते हैं, मम्मी पापा को लेक शोर की भी सैर कराते हैं। CNTR अभी आपने ये स्ट्रीट कार की भी सैर कर ली, तो आपने बस कर ली, सबवे भी ले ली और स्ट्रीट कार में भी सैर कर ली। सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किसमें आया? मास्क नीचे उतार लो। सबसे ज़्यादा मज़ा किसमें आया? स्ट्रीट कार में ना,
हमें भी सबसे बेस्ट वही लगती है। इधर मम्मी, अभी आपने देखा वो हेलीकॉप्टर आ रहा था। हाँ, रेड कलर का ना। तो इधर ही मतलब लेक शोर तो है, लेकिन यहाँ पे एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी बना हुआ है। हाँ। जहाँ पे मतलब प्राइवेट जैसे होते हैं ना ग्लाइडर्स, वो भी लैंड करते हैं, हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं। हाँ। और मुझे पता नहीं है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, बट शायद कुछ कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट्स की लैंडिंग यहाँ पर भी होती है। तो काफ़ी सही है, मतलब जो इंडिया में जो मुंबई में रहते हैं उनका तो पता नहीं, उनको शायद इतना क्रेज़ नहीं होगा यहाँ का लेक शोर का, क्योंकि मुंबई में भी पूरा सी तो है ही, बट जो दिल्ली से आए हैं उनके लिए तो लेक शोर मतलब। हम भी शांति से बैठे हुए हैं यहाँ पे, और उधर मम्मी पापा भी आराम से बैठे हुए हैं लेक शोर के पास। इतना मज़ा आ रहा है ना, इतना कामिंग है ना। और ये बीच जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ये नेचुरल बीच नहीं है, ये मैन मेड बीच है। तो मम्मी, ये जो जिस बीच पर हम बैठे हुए हैं ना, ये तो ये एक्चुअली में नेचुरल बीच नहीं है ये, क्योंकि जनरली नेचुरल बीचेस जो होते हैं वो सी या ओशन पे होते हैं ना, बट ये तो लेक है, लेक ओंटारियो। लेक्स में जनरली मतलब नेचुरल बीचेस नहीं होते। तो टोरंटो में टोटल मेरे ख्याल मिला के 3 या 4 बीचेस हैं, और मुझे नहीं पता सारे मैनमेड हैं या नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम मैनमेड हैं, और ये भी मैनमेड बीच ही है। लेकिन कितना अच्छा बनाया है ना, मतलब कामिंग है, सारे लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं पीसफुली, तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी जहाँ पे बैठे हैं ना, मतलब ये तो 1% भी नहीं होगा टोरंटो की लेक शोर का। अच्छा। हाँ, क्योंकि टोरंटो का पूरा साउथ एंड जो है, मतलब सारा लेक ही है ना, लेक ओंटारियो ही है। अच्छा। तो अभी जहाँ बैठे हैं वो इट्स नॉट इवन 1%। सो अभी तो ये ऐसे ही आप इन्जॉय करने के लिए बैठे हो, बाकी एक बार ना आराम से पिकनिक करने भी आएंगे। हाँ। एक दूसरे एरिया में लेक शोर के, वहाँ पे और भी मज़ा आएगा, थोड़ा पिकनिक करेंगे, आराम से बैठेंगे। वो कहाँ पे है, हाई पार्क? वो उधर जाके है, एक हाई पार्क है एक। हाँ। उस साइड पे जाके है वो, मतलब वो पार्क भी बहुत अच्छा है, उस पार्क से फिर आप लेक शोर भी जा सकते हो। सो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, और बाकी अगले दिन देखते हैं और कहाँ जा पाएंगे। अब कल से तो ट्यूसडे है, कल से ऑफिस शुरू हो जाएगा। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि जब से हम इंडिया गए हैं उसके बाद आके भी हमें 5 दिन हो गए, लेकिन तब भी हमारी छुट्टी थी। अब उसके बाद अब ट्यूसडे को ऑफिस जाना बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बट जाना तो पड़ेगा ही। तो बस आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म करते हैं, अगले हफ्ते अगले वीकेंड दोबारा कहीं घूमने जाएंगे तो उसका भी व्लॉग बनाएंगे, और वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बट अभी के लिए बाय बाय।